आपकी मंथली इनकम है ई-स्पोर्ट्स में पबजी मोबाइल के अंदर जो हाईएस्ट है वो मतलब ये मान के चलो 10 लाख से लेके 70-80 लाख महीने की बात कर रहा हूँ। एमए का डिग्री रखने के बाद सफाई कर्मी में सिलेक्शन नहीं है सर, परिस्थितियाँ ऐसी है, मजबूरी ऐसी है कि क्या किया जाए। जो पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी सफाई कर्मी का आवेदन किया। 80 करोड़ 80 लाख यूथ है हमारे इंडिया में और आज के टाइम में इंडिया बन चुकी है दुनिया की नंबर 1 यूथ पॉपुलेशन वाली कंट्री। एंड 2024 में इन्फ्लुएंसर्स आर दूस जो इसी यूथ को लीड कर रहे हैं और एक न्यू कल्चर को बना रहे हैं। सिस्टम हैंग कर देने वाली बात जो लगातार सुनने को मिली, क्या है ये सिस्टम, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये सिस्टम था क्या। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय रेड सीड स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, इंडियंस डेली अप्रोक्सीमेटली 7.3 आवर्स तक स्क्रीन पर रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन स्पेंड 7.1 आवर्स एंड चाइनीज स्पेंड 5.3 आवर्स एवरी सिंगल डे ऑन देयर स्क्रीन। तो इंडिया सबको पीछे करके सबसे आगे आ गया है स्क्रीन टाइम के मामले में, बट ये जो 7.3 आवर्स का स्क्रीन टाइम है इसमें से सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है सोशल मीडिया के ऊपर। अब इसी सोशल मीडिया पर इंडियन यूथ को लीड करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। बोर्ड का पेपर चालू है, हम लोग फिर भी छोड़ के आए आपको देखने के लिए, जल्दी आ जाओ, पेपर है, पढ़ाई छोड़ के आए। बिकॉज एक स्टडी में पता चला कि एक एवरेज इंडियन यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हाई है, तो फिर इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में अगर ये इन्फ्लुएंसर्स इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं तो कहीं इस सब की वजह आपका अटेंशन तो नहीं है। आज की इस वीडियो में यही समझेंगे कि कहीं आपका अटेंशन ही एक न्यू करेंसी तो नहीं है और आखिर अटेंशन देना कहाँ है। एक बहुत ही फेमस सेइंग है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट You are the product। मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे हो, फ्री में उसको यूज कर रहे हो, तो आप खुद ही वहां पर प्रोडक्ट हो। अब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, वहां पर जब आप अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो तो आपको तो उनका कॉन्टेंट फ्री में मिल जाता है, बट आप जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पे करते हो। यस, आप पे करते हो अपने अटेंशन से। और आपको क्या लगता है ये जो इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज ऑनलाइन होती हैं, तो ये किस लिए होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन को खींचने के लिए होती हैं। अभी रिसेंटली सबसे फेमस कंट्रोवर्सी जिसमें एल्विश यादव और मैक्सटेन का इतना बड़ा सीन हुआ, अब मैं पूरा क्या सीन बताऊं, लेकिन यही हुआ कि एल्विश यादव गए रात में 12 बजे मैक्सटेन को मारना शुरू कर दिए और फिर मैक्सटेन ने नेक्स्ट डे उनके ऊपर पुलिस केस कर दिया और उसके नेक्स्ट डे मैक्सटेन और एल्विश की एक फोटो भी आ गई कि भाईचारा ऑन टॉप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इन्फ्लुएंसर होकर के लड़ाई को बहुत ज़्यादा नहीं प्रमोट कर रहे हो और आपने दोस्ती को प्रमोट कर दिया, आप साथ आ गए। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक है, मैं तो यहाँ तक भी सपोर्ट करता हूँ हर चीज़ को, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तब जब उसके नेक्स्ट डे ही एल्विश और माहिरा शर्मा का एक नया सॉन्ग आता है फीचरिंग मैक्सटेन। मैंने अपनी सोशल मीडिया वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया में टट्टी जैसे सॉन्ग्स को भी वायरल करने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज खर्चा कर दिया जाता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कि आओ और इस सॉन्ग के ऊपर रील बनाओ और डालो। अब जब एल्विश भाई माहिरा के साथ में एक नया सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं तो उसको भी तो वायरल करने की कोई स्ट्रैटेजी होगी, तो स्ट्रैटेजी ये होती है, इसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी होती है फ्री में और वो सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती है। अब बिकॉज इंडिया में लोगों को लड़ाई देखने में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, तो लोग भी लग गए भाई अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, वो स्टोरी लगा रहे हैं भाई 12 बजे आ रहा हूँ, तू घर पे मिल, मैं यहाँ आ रहा हूँ, बंदे लेकर के आ, मैं आ रहा हूँ मिलने। अब मुझे हंसी आती है इनके फॉलोअर्स पर जो इंतजार करते हैं कि भाई 12 बज गया, ये लोग मिले कि नहीं मिले, मार हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, अभी क्या अपडेट है, स्टोरी आई नहीं। मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर लोग फ्री हैं और इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन लड़ाई में। एंड जब इतना सारा अटेंशन मैक्सटेन और एल्विश को मिल गया कि भाई क्या हो रहा है, यूट्यूबर्स भी वीडियोस बनाने लगे, व्यूअर्स जा करके कमेंट करने लगे, और जब इतना सारा अटेंशन मिल गया तब क्या अनाउंस हुआ, हाँ भाई सॉन्ग आ रहा है। उससे सबसे ज्यादा लाइमलाइट किसको मिला, मैक्सटेन को, एल्विश को, दोनों को, दोनों के फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, दोनों को ज्यादा सर्चेबिलिटी में आए वो, और दोनों के मार्केट वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब देखो इन लोगों की जो मेन ऑडियंस है वो यूथ है, और वही यूथ जब इनके पूरे सिनेरियो से इन्फ्लुएंस हुआ, इतना अटेंशन दे दिया, तो फिर सॉन्ग तो देखेगा, और फिर उस सॉन्ग में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, गाड़ी, बंदूक, लड़की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को आम किया जाएगा, खुद देख लो। एक दिन के अंदर 19 लाख से ज्यादा व्यूज,
और YouTube के ऊपर ट्रेंडिंग वन, मतलब समझ रहे हो इंडिया में कितने सारे लोगों का अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस सॉन्ग पे था, जिस सॉन्ग के अंदर बहुत ही इजिली क्या किया जाता है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पुलिस की डिसरिस्पेक्ट दिखाई जा रही है, कैसे तुम्हें बंदूक और कट्टे के नोक पे कैसे तुम सबको नचा सकते हो और कैसे तुम किसी को थप्पड़ मार सकते हो, ये चीजें आम करी जाती हैं। अब मजेदार बात क्या थी ना कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई इन लोगों के बीच में, इसमें बहुत सारे लोग थे जो मैक्सटन के सपोर्ट में आ गए, ठीक है, कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर्स भी थे जो मैक्सटन के सपोर्ट में आए, एक बहुत बड़ी कोई कम्युनिटी थी वो एल्विश को सपोर्ट कर रही थी, एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल थे जो मैक्सटन के सपोर्ट में आ गए थे इस पूरी कंट्रोवर्सी में, इवन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक संदीप महेश्वरी, उन्होंने भी अपने कम्युनिटी टैब में जाकर के पोस्ट कर दिया, जो कि ऑब्वियसली वो चीज तो एकदम गलत थी कि मतलब जा करके किसी को मारना, वो चीज तो भाई देखने में ही गलत लगता है, तो वो चीज तो एक यूट्यूबर के लिए गलत है, तो सब लोग सही बोले मैक्सटन के सपोर्ट में। लेकिन यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि यहां से हमें समझ में आता है कि पोलराइजेशन क्या होता है, सेट ऑफ पीपल में बटना क्या होता है, हम इनके समर्थक हैं तुम इनके समर्थक हो। द केओस मशीन एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसके राइटर हैं मैक्स फिशर, जो कि एक इंटरनेशनल रिपोर्टर हैं, और वो इसी बुक के अंदर बहुत ही डीपली जाकर के समझाते हैं कि कैसे सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को रीवायर करता है और पोलराइजेशन को प्रमोट करता है। पोलराइजेशन वर्ड की अगर आप सोशियोलॉजी में मीनिंग देखोगे तो आपको पता चलेगा, द स्प्लिटिंग ऑफ अ सोसाइटी इनटू टू डिस्टिंक्ट ग्रुप दैट आर डिफरेंट एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम सच एज रिच एंड पुअर और व्हाइट और ब्लैक। सो बेसिकली किसी भी सोसाइटी में कुछ क्वालिटीज के बेसिस पे लोगों को बांटने को ही पोलराइजेशन कहते हैं। ऑथर मैक्स फिशर अपनी बुक में बताते हैं कैसे फेसबुक पोलराइजेशन की हेल्प से लोगों को बांटने में मदद करता है। अगर आप ध्यान दो तो सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी एक पोलराइज आइडेंटिटी लेकर के घूमता है, मैं फला धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं फला पार्टी का समर्थक हूं। इवन लोग इन्फ्लुएंसर्स के लिए हैशटैग बना देते हैं स्पेशल उनके बंदे होने के लिए, जैसे इनसे मिलो इनको कौन नहीं जानता है, हाँ भाई वही कच्चा बादाम। अब इनके लिए एक स्पेशल हैशटैग चल रहा है, हैशटैग अंजिलियंस। अब अंजिलियंस कौन है, अंजलि वाले हैं, वो जाकर के कहीं भी तहलका मचाना शुरू कर देते हैं हैशटैग अंजिलियंस, शायद इस वीडियो में भी आ जाएंगे वो, ठीक है। अगर आप इस हैशटैग को देखोगे तो इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ ये हैशटैग 99K प्लस पोस्ट ओन करता है, मतलब लोग सोशल मीडिया में पोलराइज हो चुके हैं बट उनको पता भी नहीं है। आई स्टैंड विथ रजत दलाल, आई स्टैंड विथ राजवीर फिटनेस, अरे भाई तुम्हारे घर पे जब कुछ होगा ना तो कोई नहीं आएगा, ये जितना स्टैंड का हवा बना रखा है ना, प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हारी लाइफ के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, चाहे जितना तुम चिल्लाते रहो आई स्टैंड विथ फला आई स्टैंड विथ फला, कुछ नहीं होता है भाई इससे, ठीक है। और एक बात मैं तुमको लोगों को बहुत क्लियर बता देता हूँ, ये जो यूथ है इनको देखो, पता नहीं ये शायद मैक्सटन के घर के बाहर की वीडियो है जिसमें जाकर के भीड़ लगा लिया, ठीक है भाई तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, वैसे तुम लोगों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, ठीक है, तुम लोग अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अटेंशन इन चीजों के अंदर डाल करके, इससे तुम्हारी लाइफ में शायद 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर तुम लड़ाई में बहुत आग में घी डालने का काम कर रहे हो ना, तो इससे कभी किसी का घर बना नहीं है, ठीक है, घर बिगड़ जाते हैं, इंटरनेट पे खून कतल भी अगर हो जाएगा ना तो उसके बाद में 1-2 दिन से ज्यादा कोई किसी को याद नहीं रखता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े कैंपेन्स आकर के चले गए, कोई किसी को याद नहीं रखता है। भाई सुशांत सिंह राजपूत का भी बहुत हैशटैग चला, ठीक है, आज के टाइम में कोई चला रहा है, नहीं चला रहा है, एक टाइम तक ही लोग चलाते हैं, उसके बाद में लोग भूल जाते हैं, ये इंटरनेट की रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, तुम्हारी जो लाइफ का प्रीशियस टाइम एंड अटेंशन है वो चला जाएगा, चाहे जितना लड़ाई झगड़े को सपोर्ट कर लो, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जब खुद के ऊपर पड़ती है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे गुड कनेक्शन ही काम आते हैं, ठीक है, चाहे जितना तुम हेट फैला लो, हेट से तुमको कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। एक और चीज है, क्रिएटर्स को फॉलो करना कोई गलत बात नहीं है भाई, अगर क्रिएटर्स से आप इन्फ्लुएंस हो, अगर आप कोई क्रिएटर की बात आपको अच्छी लगती है या उसका टैलेंट आपको अच्छा लगता है तो बेशक उसको फॉलो करना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं, मैं खुद फॉलो करता हूं बहुत सारे क्रिएटर्स को, लेकिन किसी क्रिएटर के लिए जा करके अगर कोई क्रिएटर बोल दे कि हाँ भाई लड़ाई करेंगे, हाँ तो आप वॉयलेंस में आ जाओ, ये मिस इन्फ्लुएंस है और इससे हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी में वॉयलेंस ही क्रिएट होगा और वॉयलेंस से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री है। तुम्हें एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आकर के ये सारी चीजों को समझना होगा कि ये पोलराइजेशन है जो कि सोशल मीडिया कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज खुद यूज करती हैं
हमें और आपको पोलराइज करने के लिए। जैसे सोफी जैंग जो कि एक फॉर्मर फेसबुक एम्प्लॉय हैं, वो बताती हैं कि कैसे फेसबुक इंक्लूडिंग इंडिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान ऐसी कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को हेल्प करता है पोलराइजेशन में, और कैसे उनको हेल्प करता है उनके ही लोगों को मिसलीड करने में, ताकि वो ऑपोजिशन के थ्रू किसी को मिसलीड करें और कैसे अपनी ग्रोथ करें। तो भैया ये पूरी डॉक्यूमेंट्री है द गार्जियंस के ऊपर, आप जाकर के पूरी डॉक्यूमेंट्री जाकर के सुन लो, ठीक है। उसमें जो खुद फेसबुक की फॉर्मर इंप्लॉई रह चुकी है वो पूरा समझाई है, उसने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया, उसने आकर के सामने मीडिया को बताया, बाकायदा पूरा इंटरव्यू दिया है कि कैसे फेसबुक पोलराइजेशन करता है इतने मैसिव लेवल पे। तो तुम्हें क्या लगता है यार, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स जो हैं ये पोलराइजेशन नहीं कर सकते क्या? अरे तुमको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज हो जाएगी। अब तुम सोचोगे पोलराइजेशन होता क्यों है, तो भैया ये पोलराइजेशन इसलिए होता है ताकि डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पीपल क्रिएट हो और मार्केट में उनके अकॉर्डिंग सेलिंग हो। तो ये जो पोलराइजेशन है ये लोगों का अटेंशन खींच लेता है और फिर वही अटेंशन सेल आउट किया जाता है। 1 फरवरी 2024, पूनम पांडे जो कि एक एडल्ट मॉडल हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर उनके मैनेजर के थ्रू एक पोस्ट आता है कि पूनम पांडे की सर्विकल कैंसर के थ्रू डेथ हो गई है। अब एक दिन पहले ही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस करती हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है सर्विकल कैंसर को रोकने की वैक्सीन के लिए 9 से 14 साल के बच्चों को लगाने के लिए, और नेक्स्ट डे ही पूनम पांडे की न्यूज आ गई। अब इसको बोलते हैं डायरेक्ट अटेंशन सीकिंग। सोचने वाली बात है, जो कंपनी पूनम पांडे से अवेयरनेस कैंपेन करवाने की कोशिश कर रही थी वो ये भी नहीं समझ पाई कि इतनी सेंसिटिव चीज क्या पूनम पांडे से प्रमोट करवाना सही है। सर्विकल कैंसर जो इंडिया के रूरल एरियाज में 9 से 14 साल की बच्चियां हैं, जहां बहुत तेजी से ये कैंसर बढ़ भी रहा है, जिनको अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्या वो बच्चियां पूनम पांडे को जानती भी हैं? पूनम की जो टारगेटेड ऑडियंस है क्या वो बच्चियां हैं? पूनम की जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? वो वही इंडिया के डेस्परेट मैन है। अब पूनम पांडे इज एन एडल्ट स्टार एंड एवरीवन नोज दैट। बस ये सोचो कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको पूनम के बारे में पता भी नहीं होगा और इंडियन मीडिया लग गया भाई पूरा पूनम को अटेंशन दिलाने में, पूनम की डेथ हो गई, पूनम की डेथ हो गई, और उसके बाद में कितने ऐसे लोग होंगे जो पूनम को सर्च करने लगे होंगे और लो मिल गया अटेंशन। मेरा क्वेश्चन ये कि क्या मजाक बना रहे हो सर्विकल कैंसर का? भाई मजाक नहीं है, पहले तुम ये देख लो कि अवेयरनेस किससे प्रमोट करवा रहे हो। क्या वो इंसान जो प्रमोट कर रहा है वो उन बच्चियों के लिए कोई रोल मॉडल है? वो बच्चियां उनको फॉलो भी करती हैं कि नहीं? और अभी तो इंडिया में ये सब हो रहा है बट सैडली लोगों को पता भी नहीं कि फेक अटेंशन सीकिंग कितना ज्यादा किसी को भारी पड़ सकता है। जैसे बेले गिब्सन एक इन्फ्लुएंसर थी जो 2013 में पूरे दुनिया में ऐलान कर देती है कि उसको ब्रेन कैंसर हो गया है, जो कि पूरी एक फेक स्टोरी थी, और वो स्टोरी कुछ इस तरीके से उसने बनाई सोशल मीडिया के ऊपर। उसने एक नया अकाउंट बनाया था उस टाइम पे, हीलिंग बेली, और उस अकाउंट पे वो पूरे वीडियोज डालती थी, और वीडियो में बाकायदा उसने ये डॉक्यूमेंट करके बना दिया कि भाई मेरे पास में सिर्फ 4 महीने है, मेरा एक बच्चा भी है, उसका क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है, और मेरा एक बिजनेस है पैंट्री का, उसका एक बिजनेस होता है, और उसके लिए वो लोगों से डिमांड कर लेती है मनी, ठीक है। और चूंकि उसकी डेथ होने वाली है तो बहुत सारे लोग उसकी वीडियोस को शेयर करना शुरू करते हैं, और बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों का अटेंशन उसको मिल जाता है, बहुत सारे फॉलोअर्स उसको मिल जाते हैं, और उसके बाद में उसको बहुत सारा डोनेशन और पैसा भी आ जाता है। वो तो ये भी बताती है कि वो चैरिटी भी करना चाह रही है अपनी डेथ से पहले, और ये सारा सीन हो जाता है। और उसके बाद में जब कॉन्टिन्यूस 4 महीने के काफी टाइम बाद भी वो लगातार जिंदा रहती है तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और जब ये क्वेश्चनिंग बढ़ती चली जाती है तो बाद में जांच होती है, और जब जांच होती है तो ये सब खुल जाता है, और जब खुल जाता है तो वो एक्सेप्ट करती है ऑन कैमरा कि उसने झूठ बोला, उसको कोई ब्रेन कैंसर नहीं था। जिप्सन के ऊपर केस हुआ, उसके अकाउंट को टर्मिनेट किया गया, उसका पूरा लाइफ बर्बाद हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर की पेनल्टी लगी, और उसका पूरा करियर बर्बाद हो गया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ फेक अटेंशन सीकिंग के वजह से। इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अब ये सब कर रहे हैं, फेक अटेंशन सीक कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना करके ये बोल रहा हूं कि भैया अभी तुम लोगों को पता नहीं है कि फेक अटेंशन सीकिंग से तुम किस लेवल पे डीजेनरेट हो सकते हो, इसलिए थोड़ा इसको देख लो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अटेंशन कितना वैल्यूएबल और कितना कीमती चीज है, और अगर इसको कोई फेक करके लेता है तो उसके साथ क्या नहीं हो सकता है। आज के टाइम में इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं 2
टू मच स्पेंड करते हैं इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। अगर कोई अच्छा ब्रांड है तब तो ठीक है, लेकिन आपके जितने भी ये बिग बॉस वाले इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप इनकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखोगे, अगर आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखोगे, तो आपको मिलेगा कि वहां मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ और सिर्फ बेटिंग एप्लीकेशंस ही प्रमोट कर रहे होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये बेटिंग एप्लीकेशन एक सीधे सीधे गैम्बलिंग होती है, और उसके वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, लोग अपनी लाइफ को खत्म तक के कर सकते हैं, यहां तक भी सिचुएशन आ जाती है। जैसे विशाखापट्टनम के रहने वाले 25 साल के एक बंदे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि गैम्बलिंग में वो बहुत सारे पैसे हार गया, और बाद में जब उसके पास से एक नोट मिला पुलिस को तो उसमें यही पता चला कि उस बंदे ने अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए एंड किया क्योंकि वो गैम्बलिंग के पूरे डिप्रेशन में डूब चुका था। और वो कौन सी गैम्बलिंग थी? ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन। इनको देखो, इंडियन इन्फ्लुएंसर, क्या नाम लूं इनका भाई, देखो आप इनको पहले अटेंशन दे लो, उसके बाद में गेम के नाम पे जुआ प्रमोट कर दो। अब चूंकि जो लोग इनको अपना अटेंशन दे रहे हैं वो वही टीयर 2 टीयर 3 वाले लोग हैं जो मोबाइल के ऊपर बैठ करके ऐसी लड़कियों को देख रहे हैं, और ऐसी लड़कियां इजीली ऐसी गैम्बलिंग वाली एप्लीकेशंस प्रमोट कर रही हैं, और उनको तो पता भी नहीं चलता है, उनको तो ये लगे अरे ये मैडम बता रही है तब तो सही होगा, ये मैडम के चक्कर में वो भी ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर चले जाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे उनको लत लग जाती है। और कब लत ये उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश बन जाए कुछ नहीं पता है। अब चाइना जैसी कंट्री के एक पॉपुलर प्रोडक्ट टिकटॉक का इसमें बहुत बड़ा रोल है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फेमस करने में, क्योंकि टिकटॉक के आने से पहले ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कोई जानता भी नहीं था, बट आज जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर पूरे इंडिया में फेमस हैं ये सिर्फ और सिर्फ वही टिकटॉक वाले इन्फ्लुएंसर हैं जो आज ऐसे खुलेआम बैटिंग एप्लीकेशन को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। मगर अभी आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि उसी चाइना में जो वहां का टिकटॉक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उन्हें अपने अटेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान है, बिकॉज दे नो कि अटेंशन इज द पावर। ये है वर्ल्ड का टिकटॉक और ये है चाइना का टिकटॉक। चाइना को छोड़कर के दुनिया भर के टिकटॉक में या फिर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स में, रील्स भी इसमें इंक्लूडेड है, उसमें कौन सा कंटेंट सर्व किया जा रहा है? हाइपर सेक्सुअलाइज्ड रील, एडल्ट मीम्स एंड पॉलिटिकली पोलराइज्ड कंटेंट। और ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करने का काम करता है इंडिया में आज के टाइम में। किसी भी पर्टिकुलर हैशटैग को उठा करके देख लो, उसमें आपको जो मोस्ट वायरल वीडियोज मिलेंगे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो वीडियोज कहीं ना कहीं हाइपर सेक्सुअलाइज होंगे, उसके अंदर सॉफ्ट पॉर्न प्रमोट हो रहा होगा या तो मीम के थ्रू या तो कुछ भी करके, और वो एक नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट ही होगा जो कि यहाँ के यूथ को अंदर से कमजोर बना रहा है। बहुत फेमस सेइंग है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी नेशन विदाउट अ वॉर, मेक एडल्ट्री एंड न्यूडिटी कॉमन इन द यंग जनरेशन। चाइना जो कि इंडिया का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको ये चीज बहुत इजीली पता है, इसीलिए वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐसे इजीली न्यूडिटी को आम कर रहा है। और आज के टाइम में लत लगा करके तो टिकटॉक चला गया, अब आपको अरे भाई टिकटॉक तो बंद हो गया, आप क्या तुम ये सब बात बता रहे हो? नहीं भाई, वो आया था तुम्हारी लत लगाने के लिए, टिकटॉक गया तो उसके बाद में कितने सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आ गए। जाकर के प्ले स्टोर पे खाली शॉर्ट वीडियो ऐप लिखोगे तो 70 ऐप आ जाएंगे, और वो ऐप को डाउनलोड करके अगर उसका रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिए, अगर फीड स्क्रॉल करे तो उसका कंटेंट देख करके तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा कि ये कंटेंट इंडिया में कौन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, गांव देहात के लोग कौन सा कंटेंट उन ऐप्स के ऊपर बना रहे हैं, अगर तुम्हारा देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अब इंडिया के लोग इस टाइप के कंटेंट में इतना ज्यादा अटेंशन डाल चुके हैं कि इनका उस कंटेंट से निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इंस्टाग्राम के ऊपर भी इस टाइप का कंटेंट बहुत तेजी से आम हो चुका है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम को डाउनलोड करो बिल्कुल फ्रेशली और एक नया अकाउंट बनाओ, और नया अकाउंट बनाने के बाद में आप बस एक्सप्लोर पे क्लिक करो, फीड पे क्लिक करो या रील सेक्शन पे क्लिक करो, आपको सबसे बकवास कंटेंट देखने को मिलेगा। कोई भी आकर के अजीब टाइप का डांस करेगा, कोई ट्वर्क कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको यही सब देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं वो वही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए जो इंस्टाग्राम रील्स का एल्गोरिथम है वो वही कंटेंट दिखा रहा है, क्योंकि यहां के लोगों को वही देखना अभी पसंद है। इंडिया में कोई भी कंटेंट रेगुलेटरी नहीं है ढंग से, यहां के तो न्यूज वाले भी पूनम पांडे की अगर न्यूज आई तो उसके बाद बड़े बड़े न्यूज वाले तुरंत डाल दिए पूनम पांडे का डेथ हो गया, पूनम पांडे का डेथ हो गया। अरे भैया पहले रीचेक तो कर लो, कोई रीचेक नहीं है। बाद में लोग कह रहे हैं वो पब्लिसिटी स्टंट था। अरे पहले आपने कैसे पब्लिश कर दिया, पहले ये बताइए। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इंडिया में जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है वो यूथ का अटेंशन लेकर के जा रहा है, लेकिन किस टाइप का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो? सबको पता है कौन सा कंटेंट लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम चाइना में ये टिकटॉक नहीं चलता है। चाइना में टिकटॉक ऑपरेट करता है डोइन नाम की एप्लीकेशन के नाम से, जो कि टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस का ही एक प्रोडक्ट है, लेकिन चाइना में उसका नाम डिफरेंट है।
अब डोइन का एल्गोरिथम टिकटॉक के एल्गोरिथम का पूरी तरीके से अपोजिट है। टिकटॉक अगर सॉफ्ट पॉर्न हाइपर सेक्सुअलाइजेशन को बहुत ज्यादा आम करता है, तो डोइन सबसे ज्यादा साइंटिफिक वीडियो, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट को आम करता है। चाइना में बाकायदा एक पॉलिसी है कि वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड कंटेंट ही सर्व किया जाएगा, कोई भी रैंडम कंटेंट वायरल नहीं हो सकता है। नाउ इस रेगुलेटरी को ध्यान में रखते हुए डोइन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, ऐसी चीजों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आम करता है, ताकि वहां के जो लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी इनहेंस होती रहे। और यही एक कारण है कि चाइना कभी भी दूसरे देश की बनाई हुई एप्लीकेशंस को नहीं यूज करता है। वो ना इंस्टाग्राम को यूज करता है, ना ही यूट्यूब को यूज करता है, वो अपना ही यूट्यूब, अपना ही इंस्टाग्राम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कंटेंट ही है जो यूथ को शेप कर रहा है। इंडियन पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर भी कोई रेगुलेटरी नहीं है कंटेंट को लेकर के, कि उनके बच्चे फोन में कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता है। बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हैं कि बच्चों को पता है कि कब हिस्ट्री डिलीट करना है, कब क्या करना है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन चाइना में रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऐसी ऐप वर्क करना ही बंद कर देती हैं, जिससे कि बच्चे अपनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी को अचीव करें, रात में अच्छी स्लीप लें। यहाँ के बच्चे रात में 2 बजे तक रीली स्क्रॉल कर रहे हैं। सो चाइना अंडरस्टैंड व्हाट एल्गोरिथम इज एंड अटेंशन की क्या पावर है, बिकॉज वहां के जब लोग सॉफ्ट पॉर्न वीडियो बना करके वायरल होने की कोशिश करते हैं, तो वहां का एल्गोरिथम उन वीडियोज को वायरल ही नहीं करता है। एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर और यूएस में जो टिकटॉक है, इंडिया में जो इंस्टाग्राम चल रहा है, वैसे यूएस में भी इंस्टाग्राम है, तो इन सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर जो कि सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट है, वो बहुत तेजी से वायरल किया जाता है एल्गोरिथम के थ्रू, और जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है वो थोड़ा धीरे धीरे सर्कुलेट होता है। सो बेसिकली चाइना बहुत अच्छे से समझता है कि अटेंशन कितनी पावरफुल चीज है और किस चीज पर अटेंशन यूथ का होना चाहिए, इसीलिए वहां का एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट के लिए ही काम करता है। अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट्स अ पॉवर्टी ऑफ अटेंशन, ये बात कही थी साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरिएट हर्बर्ट ए सिमन ने। सो बेसिकली जब आप अपने मोबाइल फोन में बहुत सारा स्क्रोल डाउन करते रहते हो, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड हो जाते हो, और उसके बाद में आपका अटेंशन स्पैन उतना ज्यादा ही कम हो जाता है। नाउ ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू पे अटेंशन टू ऑल द इंफॉर्मेशन, इसीलिए आज के टाइम में ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होता है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन का अटेंशन स्पैन 7 to 8 सेकंड आ गया है। और ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको टेलर्ड कंटेंट मिले, आपको शुगर कोटेड कंटेंट मिलता रहे, और आप माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहो। और अगर ये पोलराइज करने की कोशिश करें, तो आप पोलराइज भी हो जाओ आराम से, और इवन आप हो चुके हो, आप जानो या ना जानो, बट आप पोलराइज हो चुके हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आप अपने ऑफिस का काम कर रहे होगे, या आप पढ़ाई कर रहे होगे, या कुछ भी कर रहे होगे, एंड आपका दिल करा लाओ थोड़ी देर के लिए फोन देखें, और फिर उसके बाद में आप माइंडलेसली स्क्रॉल करने लगे, पता भी नहीं चला, और आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में पता चला कि एवरेज में एक आदमी को 23 मिनट लगता है वापस से अपने फ्लो में आने में, जब वो एक बार किसी काम के बीच में फोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ के लोगों को क्या देखना है, रजत भाई ने स्टोरी लगाई कि नहीं, मैक्सटन भाई मार खाए कि नहीं खाए, एल्विश भाई उनके घर गए कि नहीं गए, शाम को आज किससे मुलाकात होने वाली है, लाइव कौन आ रहा है। तो जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों पर अटेंशन देते चले जाओगे, आप सोचो आप कब अपने फ्लो स्टेट में वापस आओगे। एपिक्टेटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे 2nd सेंचुरी में, और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, वो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। कीप योर अटेंशन फोकस entirely on what is truly your own concern and be clear that what belongs to other, that is their business, none of yours. भाई दुनिया में क्या हो रहा है 2 मिनट के लिए छोड़ दो भाई, वो कंटेंट देखो जिससे तुम्हारी ग्रोथ होती है। अगर तुम्हें कोई कंटेंट मेंटली ग्रो होने में हेल्प कर रहा है, तुम फिजिकली ग्रो हो रहे हो किसी के कंटेंट को देख करके, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं किसी का कंटेंट देख करके, शायद आप किसी का फैमिली शो देखते हो और उसको देख करके आपका खुद की लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, शायद आप कोई ड्रामा देखते हो, वो ड्रामा देख करके आपके लाइफ में
और अच्छा ह्यूमर क्रिएट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो देखो ना भाई क्या दिक्कत है। कंटेंट को रेगुलेट करो, खुद से रेगुलेट करो यार थोड़ा सा। अगर आप अपना अटेंशन रॉन्ग चीजों को देना शुरू कर दोगे जो चीजें आपकी लाइफ में उतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं, अब वो मैक्सटन ने कोई स्टोरी लगाई तो लोग उनके घर के बाहर पहुंच गए, बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए, चिल्लाने लगे क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ भाई। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तुम इतने फ्री कब से हो गए कि तुम ऐसे जाकर के भीड़ लगाना शुरू कर दोगे। और क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और काम नहीं है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और इम्पॉर्टेंट एरियाज नहीं है जहां पर तुम अपना अटेंशन दो? तुम्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि तुम्हें अपना अटेंशन किन चीजों को देना है, कौन सी चीजें तुम्हारा अटेंशन लेंगी तो तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वो बहुत ही फेमस अमेरिकन टीवी होस्ट हैं ओपरा विनफ्रे, उनका एक बहुत ही फेमस कोट मुझे याद आ गया कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, मतलब वही है वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो भैया जहां पर अपना अटेंशन डालोगे, ठीक है, जहां पर अपना फोकस डालोगे वो चीज एक्सपैंड करने लगेगी क्योंकि वहां पर तुम्हारी एनर्जी लग रही है ना। तो तुम्हें अगर अपनी एनर्जी डालनी है तो कोई पॉजिटिव चीज में डालो, मेडिटेशन में डाल दो, कोई स्पीच सुनने में डाल दो, जाके कोई टेड टॉक सुन लो, यूट्यूब के ऊपर कोई एक नई स्किल देखने में देख लो, ठीक है, कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब पे जाकर के देखो जो तुम्हें मतलब ग्रो करने में हेल्प करा दे, या कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसा कंज्यूम कर लो जिससे तुम्हारी लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एड ऑन हो जाएगा। तभी जाकर के हम लोग भी अंदर से पावरफुल बनेंगे। एंड इस चैनल के ऊपर मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम लोग एक पॉजिटिविटी का कंटेंट लेकर के आए, हम लोग एक इम्पैक्टफुल कंटेंट बनाएं, यही मेरा मेन मोटिव है इस चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच, आपने अपना अटेंशन यहाँ तक इस वीडियो को दिया, ठीक है, अगर आप यहाँ तक अपना अटेंशन दिए तो भाई वाकई में आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है कि आप ऐसी वीडियोस को लोग बोरिंग समझते हैं, मुझे नहीं पता है आप क्या समझते हो, बट बहुत सारे लोगों को ये सब कंटेंट बोरिंग लग जाता है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो अगर आप चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, @mahinarji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कॉमेंट करो, मैं देखूंगा, अगर वो टॉपिक बहुत अच्छा हुआ तो हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, एंड डेफिनेटली मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, चलो भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पैर में।